बड़ी खबर, जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में हादसा हुआ है। एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवक की मौत का कारण अभी तक साफ नहीं है। मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच में जुटी है नोएडा पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा से जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में हादसा हुआ है। एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। डेड बॉडी को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से जीआईपी मॉल के वाटर पार्क से एक संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया है। नोएडा में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर 38 से स्थित वाटर पार्क में दिल्ली के रहने वाले चार दोस्त घूमने आए थे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के आदर्श नगर का रहने वाला 25 वर्षीय धनंजय रविवार को अपने दोस्तों के साथ नोएडा सेक्टर 38 से स्थित वाटर पार्क में आया था। वहीं युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में वाटर पार्क में मौत हो गई। मृतक के पिता के मुताबिक उनका बेटा रविवार करीब 11 बजे घर से अपने चार दोस्त अंशुल गुप्ता, राघव गुप्ता, सागर गुप्ता और पीयूष लांबा के साथ घर से निकला था। नोएडा पुलिस के मुताबिक स्लाइडिंग के दौरान धनंजय की तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और इसके बाद वो बाहर आकर बैठा और थोड़ी देर में वो जमीन पर गिर गया। किसी तरह दोस्त धनंजय को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक धनंजय महेश्वरी नाम के युवक है, जिसकी उम्र करीब 25 साल है। वो अपने चार मित्रों के साथ मिलकर पांच लोग आज यहाँ जीआईपी वाटर पार्क पे आए थे और जहाँ पर इनके द्वारा एक स्लाइडिंग स्टार्ट की गई, जिसमें चार युवकों के द्वारा इस साथ स्लाइडिंग की गई। स्लाइडिंग करने के पश्चात जब ये नीचे आए तो उसमें से धनंजय को थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई और इनके द्वारा बैठकर थोड़ी देर आराम किया गया और उसमें से दो इनके जो साथी थे वो और स्लाइडिंग में चले गए, दो इनके साथी रहे। आराम ना मिलने पर इनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया कैलाश हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। परिजन यहीं पर मौजूद हैं। हम लोग पंचायत कामा की और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं। वाटर पार्क प्रबंधन के मुताबिक जैसे ही माहेश्वरी स्लाइडिंग करके नीचे आया, उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद प्रबंधन ने माहेश्वरी को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज वो अपने चार दोस्तों के साथ वो लोग आए थे हमारे यहाँ पे। जब उन्होंने स्लाइडिंग वाली राइड ली, उसमें से एक की जो जिसका नाम धनंजय था, वो उसकी थोड़ी तबीयत खराब हुई, जो जैसा उसके दोस्तों ने बताया। हमने जैसे उसके दोस्तों ने बताया कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर अवेलेबल होते हैं उनको दिखाया। डॉक्टर साहब ने एडवाइज किया कि इसकी हालत ठीक नहीं है, इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचवाया जाए। हमारे यहाँ पे जो एम्बुलेंस खड़ी होती है, हमने तुरंत बुला के उसे व्हीलचेयर से लाके एम्बुलेंस से बिठवा के हॉस्पिटल पहुंचवा लिया। पुलिस लगातार वाटर पार्क प्रबंधन से बात कर रही है। परिजन भी पुलिस के संपर्क में है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वाटर पार्क का सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है। मौत का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला क्या है, ये जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता लग पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो नोएडा के जीआईपी मॉल के वाटर पार्क से संदिग्ध अवस्था में ये शव बरामद किया गया है। हालांकि परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जताई जा रही, लेकिन पुलिस अपने तरीके से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, साथ ही साथ पार्क प्रबंधन के तमाम अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। तो नोएडा के जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। लेकिन परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जताई जा रही है, हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तमाम अधिकारी जीआईपी मॉल के तमाम प्रबंधन के अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर जीआईपी मॉल में एक वाटर पार्क से संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद किया गया है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में फिलहाल जुटी हुई है। तो बड़ी खबर नोएडा से, जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में एक युवक की मौत हुई है। शव को संदिग्ध अवस्था में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में भी पुलिस जुट गई है। परिजनों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस एंगल से भी पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद किया गया है। परिजनों की तरफ से हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसीलिए पुलिस प्रशासन की टीम उस एंगल से भी मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है
संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव जीआईपी मॉल के वाटर पार्क से बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी खबर पर चलिए, तमाम जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, कल की यह घटना है, फिलहाल अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी गई है और जिस व्यक्ति की जान गई है, जिसका शव नोएडा मॉल में बरामद किया गया है, उसकी क्या कुछ पहचान हुई है, कहां का रहने वाला है, परिजनों की तरफ से कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं? देखिए, धनंजय महेश्वरी नाम का 25 वर्षीय युवक है जो दिल्ली का रहने वाला है और अपने 5 दोस्तों के साथ कल वाटर पार्क आया था। और वाटर पार्क में आने के बाद जो मॉल प्रबंधन का कहना है कि पहली राइड लेने के लिए वो स्लाइड के ऊपर चढ़े और वहां से राइड लेकर नीचे भी आए। जैसे ही नीचे आए तो धनंजय की तबीयत खराब हो गई, उसके दो दोस्त और उसको एक किनारे बैठाया गया और उसकी देखरेख की गई, लेकिन तबीयत लगातार बिगड़ती रही, जिसके बाद वाटर पार्क में मौजूद जो डॉक्टर थे उनको भी दिखाया गया। तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते एम्बुलेंस से एक निजी अस्पताल में धनंजय को भेजा गया था, लेकिन वो जब तक अस्पताल पहुंचता तब तक दम तोड़ चुका था। इस जानकारी को उसके परिवार को दी गई और परिवार के उसके पिता सहित तमाम लोग रात में ही यहां पहुंचे, मॉल प्रबंधन से भी बात की, पुलिस से भी बात की। परिवार का साफ तौर पर आरोप है कि पूरी तरीके से धनंजय स्वस्थ था, बावजूद उसके इस मौत के पीछे की वजह कि कोई ना कोई साजिश हो सकती है या कोई हादसा हो सकता है या मॉल प्रबंधन की गलती हो सकती है, इस तरीके के आरोप परिवार के द्वारा लगाए गए। हालांकि परिवार के द्वारा अभी कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धनंजय की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 10:30 बजे तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पुलिस को मिल जाएगी और उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई करने की पुलिस बात कर रही है। साथ ही साथ मॉल प्रबंधन द्वारा कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस के द्वारा वहां मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई है और लगातार उस केस से जुड़े तमाम जो भी पहलू थे, कितने बजे वो वहां पर एंट्री करे, आते हुए तबियत किसी तरीके से खराब तो नहीं थी, तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करने की बात कर रही है। लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में वाटर पार्क के अंदर इस मौत के होने के बाद कई तरीके के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महंगी यहां पर फीस या टिकट लिया जाता है मॉल प्रबंधन की तरफ से, और लोगों की सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम है उस चीज को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर मृतक के परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक होने जैसी जो आशंका व्यक्त की जा रही है उस तरीके की कोई बीमारी धनंजय को नहीं थी और बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ था। ऐसे में वाटर पार्क के अंदर अचानक उसकी मौत हो जाने का जो सदमा है उसमें परिवार पूरी तरीके से डूबा हुआ है। फिलहाल अब इंतजार इसी बात का है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो कि मौत के पीछे के कारण क्या थे। जिस तरीके से आरोप ये भी लगाए गए थे कि धनंजय के शरीर पर कुछ चोट के निशान है, तो वो चोट के निशान किस वजह से आए, इन तमाम जो सवाल है इनसे पर्दा तभी उठेगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का पुलिस अधिकारी भी इंतजार कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है रिपोर्ट आने के बाद परिवार के द्वारा जो भी शिकायत दी जाएगी उसको दर्ज करने के बाद आगे की जांच शुरू की जाएगी। जी ठीक है अमित, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के बाद पुलिस भी इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और